स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के बीच में हूँ और ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो जीएनएम के हैं, चाहे डिप्लोमा फार्मेसी के हो गए, या बैचलर फार्मेसी के जो स्टूडेंट हो गए, या बीएमएस के स्टूडेंट हो गए, उनके अलग अलग सब्जेक्ट से एक ही टॉपिक मैं सेपरेट करके लाया हूँ जो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके सामान्य परिचर्या और व्याधि रोग और जो विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, व्याधि विज्ञान और उपचार का जो सब्जेक्ट है, उसमें ये जो टॉपिक है हमेशा पूछा जाता है। प्रैक्टिकली भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसी तरह से डिप्लोमा फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं उनके रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद का जो सब्जेक्ट है, जो फाइनल ईयर के जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं उनसे भी ये क्वेश्चन बनता है और उन्हें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए और जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं टॉपिक कौन सा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्सर, जिसको हम आयुर्वेद में व्रण कहते हैं। तो आज किन किन पॉइंट पे, किन किन बिंदुओं पे चर्चा होगी वो मैं बता देता हूँ, किस किस पॉइंट पे डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्रण कैसे होता है, तो मैं आपको बताऊंगा व्रण कैसे होता है। दूसरा पॉइंट जो है, व्रण किसे कहते हैं, मतलब अल्सर किसे कहा जाता है, व्रण किस किस स्थानों पर होते हैं, शरीर के किन किन स्थानों पर ये हो सकते हैं, व्रण की प्रावस्थाएं क्या हैं, व्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं। और दो टॉपिक और हैं जिसमें व्रण भरना, व्रण मतलब कि अगर हुआ है तो वो कैसे सही होता है या सही नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। उसके बाद से लास्ट में हम पढ़ेंगे आयुर्वेद में व्रण चिकित्सा, कि आयुर्वेद में व्रण की चिकित्सा इलाज क्या बताया गया है। तो ये टॉपिक मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए एक एक करके जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं एक एक करके सबके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता देता हूं। पहला पॉइंट जो है जिसमें मैं बताऊंगा कि व्रण कैसे होता है, तो पहला पॉइंट है व्रण कैसे होता है, तो उसका उत्तर जान लेते हैं व्रण कैसे होता है। तो अगर जानना है कि हमें व्रण कैसे होता है, या एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्रण कैसे होता है, तो आप बताओगे सिंपली उसका आंसर, अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे। व्रण जो है बॉडी सरफेस का एक इन्फेक्शन है, बॉडी सरफेस के इन्फेक्शन के कारण ही होता है। जो त्वचा का जो संक्रमण है, सतह जो है शरीर के ऊपर की जो सतह है उसमें इन्फेक्शन होता है, तब जाके व्रण होता है। एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे व्रण बॉडी सरफेस पर संक्रमण से उत्पन्न होता है। इस संक्रमण के जीव विष किसे कहते हैं, जो टॉक्सिन जो होते हैं, जो इस व्रण में जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो टॉक्सिन होते हैं, ये हमारे जो एपिथीलियम होता है ऊपर की जो त्वचा होती है उसको नष्ट कर देते हैं। और जो नष्ट हुई उपकला है, जो उपकलाएं नष्ट हो जाती हैं उसकी जो मृत कोशिकाएं हैं वो निर्माण कर लेती हैं पूय का, हिंदी में पूय कहते हैं और इसको इंग्लिश में पस कहते हैं, और यही संचित हो जाता है। तो धीरे धीरे जो व्रण है उसका आकार फूल जाता है, मतलब कि शोथ का रूप ले लेता है, सूजन का रूप ले लेता है, और इसमें धीरे धीरे पस भर जाता है। और ये क्या करता है, आसपास की जो कोशिकाएं उनको मृत कर देता है, और मृत कोशिकाओं के जो पस हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जब ये खत्म होते हैं तो वहां पे ग्रेनुलर टिश्यू आ जाता है, ग्रेनुलर टिश्यू मतलब दानेदार संरचना फोड़े में बनने लगती है, और तब जा करके ये इसकी संरचना पूरी तरह से विकसित हो जाती है और एक विकसित जो व्रण है शरीर की सतह पे दिखाई देने लगता है। तो अगर व्रण कैसे होता है जानना है, व्रण किस प्रकार से होता है, तो व्रण के होने का जो कारण है आपको मैंने बता दिया। तो व्रण कैसे होता है, व्रण पूछा जाता है कि व्रण कैसे होता है, तो आप डायरेक्टली यही लिखेंगे कि व्रण जो है शरीर की सतह पे होने वाला संक्रमण है जो कि इन्फेक्शन के थ्रू हो जाता है, और इसमें जो पस है धीरे धीरे भर जाता है, और पस भर करके जो शरीर के ऊपर की जो सतह है, त्वचा जो है, एपिथिलियल जो टिश्यू है उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, धीरे धीरे शोथ हो जाता है, उसमें ग्रेनुलर जो टिश्यू है उसमें इकट्ठा हो जाता है, और यह संरचना धीरे धीरे सामने उभरने लगती है, दिखाई देने लगती है, तो इसको हम व्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूँ कि व्रण किसे कहते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें जानेंगे कि व्रण किसे कहते हैं। तो देख लेते हैं व्रण किसे कहते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप सिंपली कह सकते हैं कि व्रण जो है संक्रमण के उपरांत उपकला की कोशिकाओं की जब मृत्यु हो जाती है तो उसे ही हम व्रण कहते हैं। संक्रमण के उपरांत उपकला की कोशिका मृत हो जाती है तो उसे ही व्रण कहा जाता है, या उपकला की कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उसे ही हम व्रण कहते हैं या अल्सर कहते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें पूछ रहा है कि व्रण किस किस स्थान पर हो सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो व्रण के टॉपिक से ही हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से जो हो सकता है, व्रण किस किस स्थान पर होते हैं। तो व्रण किस किस स्थान पर हो सकते हैं, तो व्रण तीन स्थान पर होते हैं। पहला जो है मुख, अमाशय, आंत। तो मुख, अमाशय और आंत में ये होते हैं। क्यों इन जगहों पे ये हो जाते हैं? अगर इन जगहों पे इनका जो रूप जो होता है शोथ युक्त होता है। शोथ युक्त मतलब ये फूले हुए संरचना में मिलते हैं, मतलब कि सूजन जैसी संरचना में ये इन जगहों पर दिखाई देते हैं। उसी तरह से दूसरी जो जगह है वो निम्न शाखाओं के अधस्त्वक, जिसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो हाइपोडर्मिस की सतह, हाइपोडर्मिस पे ये हो जाते हैं। क्यों होते हैं? जब वृद्धावस्था में रक्त परिसंचरण सही तरीके से नहीं होता है, खून का प्रवाह सही तरीके से शरीर में नहीं हो पाता है, तो उस अवस्था में ये हो जाता है। और तीसरा जो स्थान है ये गर्भाशय, गर्भाशय की ग्रीवा पे होता है, गर्भाशय ग्रीवा पर ये होता है। तो तीन जो स्थान है जहाँ पे शरीर में ये जो व्रण है अपनी जगह बना लेते हैं और अलग अलग रूप में दिखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्रण की प्रावस्थाएं। हाँ, तो ये कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि व्रण की कितनी प्रावस्थाएं होती हैं, तो वो भी मैं बता देता हूं। तो अगर व्रण की प्रावस्थाएं अगर पूछा जाता है, तो व्रण की प्रावस्थाएं तीन होती हैं। तो तीनों प्रावस्थाएं मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो तीन प्रावस्थाएं कौन कौन सी है वो बता देता हूँ। तो पहली जो प्रावस्था है उसको विस्तार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सटेंशन कहा जाता है। सेकेंड जो है परिवर्तन, जिसको ट्रांजिशन कहते हैं। और थर्ड जो है सुधार, जिसको रिपेयर कहा जाता है। बारी बारी से देख लेते हैं ये कैसे क्या है चीजें इसमें होती हैं। तो विस्तार जो एक्सटेंशन होता है व्रण की, जो अवस्था का जो पहली अवस्था है जिसको विस्तार कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तरल तथा गलित पदार्थ में ये जो व्रण है ढक जाता है पूरी तरह से, इसमें जो तरल पदार्थ है भर जाते हैं। तो ये पहली प्रावस्था है व्रण की। दूसरी प्रावस्था जो है ये सुधार की प्रावस्था होती है। इसमें सुधार थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लगता है और व्रण का जो भरना है शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पस से ये पूरी तरह से भर जाता है। फिर धीरे धीरे जब इसकी प्रावस्था थोड़ी पुरानी होती है तो इसमें ग्रेन्यूल्स आने लगते हैं। और लास्ट जो प्रावस्था है जिसको सुधार रिपेयर बोला गया, तो इसमें इस प्रावस्था में जो रेशेदार जो तंतु तक होते हैं वो आने लगते हैं। और धीरे धीरे ये व्रण की वो अवस्था है, प्रावस्था है, जिसमें ये व्रण पूरी तरह से शरीर से नष्ट हो जाता है, मतलब कि ठीक हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्रण के प्रकार। तो व्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो व्रण भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कि प्रावस्थाएं बताएं, तीन प्रावस्थाएं होती हैं, उसी तरह से व्रण के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार को देख लेते हैं। तो व्रण के जो तीनों प्रकार हैं वो है विशिष्ट, जिसको स्पेसिफिक कहते हैं। और सेकेंड जो है विशिष्टताहीन, जिसको नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। और थर्ड जो है दुर्दम्य, जिसको मेलिग्नेंट कहा जाता है। और तीनों प्रावस्थाओं, तीनों जो व्रण के जो तीनों प्रकार हैं वो किस किस कारण होते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। तो विशिष्ट जो प्रकार है व्रण का, स्पेसिफिक ये प्रकार होता है जो कि घाव में संक्रमण होने के कारण हो जाता है। अगर चोट वगैरह लगा है, पुराना घाव है, तो उसमें इन्फेक्शन के कारण ये हो जाता है। तो जिसको हम पहला प्रकार कहेंगे व्रण का। दूसरा जो प्रकार है जिसको विशिष्टताहीन या नॉन स्पेसिफिक प्रकार कहा जाता है व्रण का, तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं फोड़े में संक्रमण फैला देते हैं, और उसके कारण ये जो विशिष्टताहीन जो फोड़े का जो प्रकार है, जो व्रण का जो प्रकार है वो हो जाता है। उसी तरह से दुर्दम्य, अगर मेलिग्नेंट अगर प्रकार की बात करेंगे, तो यह जो है संक्रमण से नहीं होता है, ये बस जो है ऊतकों के नष्ट हो जाने से हो जाता है। जो टिश्यूज होते हैं, जो त्वचा के जो टिश्यू होते हैं या इंटरनली जो टिश्यू होते हैं, उनके नष्ट होने के कारण ये फोड़े का प्रकार बनता है। तो फोड़े के जो तीन प्रकार हैं या व्रण के जो तीनों प्रकार हैं वो विशिष्ट, विशिष्टताहीन और दुर्दम्य, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और मेलिग्नेंट, जो तीनों प्रकार हैं वो बता दिए। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है व्रण का भरना। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्रण कब भरता है, कैसे व्रण भरता है। तो उसमें अगर आपको आंसर देना होता है तो आप लिख सकते हैं, ऊतकों की जीवन शक्ति बिगड़ जाने के कारण व्रण जो भरने में अत्यधिक समय लगता है। अगर व्रण भरने की बात करेंगे तो व्रण जो है अत्यधिक समय में भरता है। क्यों? क्योंकि ज्यों ही हमारे शरीर के ऊपरी सतह पे या इंटरनली अगर व्रण हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, तो ये क्या करता है कि कोशिकाओं के ऊतक को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। और जब कोशिकाओं के ऊतक जब नष्ट होने लगते हैं तो ऊतक की जो जीवन शक्ति है वो कम हो जाती है, और इसलिए जीवन शक्ति बिगड़ जाने के कारण इसको भरने में अत्यधिक समय लगता है।
तो व्रण जो है भरने में बहुत ज्यादा समय लेता है। लेकिन कुछ बातें डिपेंड करती हैं व्रण के न भरने के ऊपर, कि व्रण कब कब नहीं भरता है और क्यों नहीं भरता है, वो भी मैं बता देता हूं। तो व्रण न भरने के कुछ कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें व्रण नहीं भरता है। सबसे पहला अवस्था जो है जिसमें जिसको हम तंत्रिका क्षति या नर्व लीजन कहते हैं, तो नर्व लीजन में भी जो व्रण है नहीं भरता है, या कुपोषण अगर किसी को है शरीर में, अगर न्यूट्रिशन की कमी है तब भी व्रण बहुत धीरे प्रक्रिया से सही होता है, मतलब कि ये धीरे धीरे भरता है। उसी तरह से अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, मधुमेह हुआ है, तो उसमें भी व्रण है बहुत धीरे प्रक्रिया में ये भरता है और बहुत लंबा समय ले लेता है ठीक होने में। तो ये तो हो गई बात कि व्रण किस हिसाब से भरता है, कितना समय लगता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया जाएगा कि आयुर्वेद में व्रण को सही करने के लिए क्या उपचार बताए गए हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया है, वो भी मैं बता देता हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये बताऊंगा मैं कि आयुर्वेद में व्रण की चिकित्सा क्या है। तो देख लेते हैं व्रण की जो चिकित्सा, आयुर्वेद में व्रण चिकित्सा कैसी होती है, व्रण की चिकित्सा किस तरह से की जाती है। तो बस कर देंगे तो लिख देंगे आयुर्वेद में व्रण चिकित्सा खसगे जी, जो 60 तरह की चिकित्साएं हैं वो व्रण के लिए आयुर्वेद में बताई गई हैं, कि मतलब जो 60 तरह की चिकित्सा है वो व्रण के ऊपर लागू किए जाते हैं आयुर्वेद में, मतलब कि 60 तरह की चिकित्सा करके हम व्रण का शोधन कर सकते हैं, व्रण को नष्ट कर सकते हैं। 60 तरह की चिकित्साएं बताई गई हैं। अगर आपको ये 60ों चिकित्सा पद्धति को जानना है या 60ों चिकित्साएं व्रण की जाननी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इसके बारे में जानना है, तो मैं 60ों जो चिकित्सा है व्रण की वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, तथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी आपके क्लासमेट हैं जिनकी क्लासेस नहीं चल रही या जिन्हें अपने टॉपिक सही तरीके से नहीं पता चल पा रहे हैं, तो आप उनके तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।